19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर, हाउ मैनी एटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड। तो हमें मास दिया गया है 19.7 किलोग्राम। इतने पर्टिकुलर मास में हमें एटम्स पता करने हैं। ओके, तो देखो पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतना ग्राम मास दिया गया है। अब अगर हमें 197 ग्राम जो कि उसका मोलर मास है, इतना मास दिया होता तो हम कहते कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड है वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इतने एटम्स ऑफ गोल्ड हम कहते अगर वो मॉलिकुलर मास दिया होता, दैट इज़ 197 ग्राम। अब क्योंकि हमें इतना ग्राम मास दिया गया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एटम्स निकाल सकते हैं, इतने आ जाएंगे 6.022 × 10^25 एटम्स। वही हमें पता करना है कि इतने ग्राम मास में कितने एटम्स हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी, डी इज़ द राइट आंसर।